दूर किसी जंगल में एक झगड़ालू कौवी रहती थी। उसकी किसी से भी नहीं बनती थी। हर किसी से बात करते ही करते वह झगड़ा कर लेती थी। एक दिन गौरी कौवी अपने घर के बाहर बैठी थी, तभी उसकी पड़ोसी चिड़िया उससे कहती है, अरे काली कौवी बहन, तुम कब से यहाँ बैठी हो? क्या तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? सब पक्षी दाना लेने गए हैं, तुम भी दाना लेने चलो। मोटी चिड़िया, मैं अपने घर के बाहर बैठी हूँ, तुम्हें इससे क्या मतलब? मैं दाना लाऊं या ना लाऊं? तुम कौन होती हो मुझे ऐसा कहने वाली? यदि तुम्हें मेरी इतनी ही परवाह है तो जा और मुझे दाना लेकर आ। हरियाली तोती गुजरती हुई गौरी की बात सुनकर वहां आ जाती है। चिड़िया, छोड़ो इसे, यह तो हर समय लड़ाई के मूड में रहती है। जब देखो तब इसके चेहरे पर 12 बजे रहते हैं। तू चल मेरे साथ, हम दाना लेने जाते हैं। जंगल में गौरी का पति काला कौवा चिड़िया और हरियाली तोती को मिलता है। कौवा भैया, तुम्हारी पत्नी सुबह से ही समय जाया कर रही है और मैंने उसे समझाना चाहा तो उसने मुझसे ही उल्टा लड़ाई शुरू कर दी। कल गौरी ने मेरे घोंसले से दाना भी चुरा कर खाया था। कालू भैया, आप उसे समझा देना, मेरा मिट्टू बहुत गुस्से वाला है। अगर कल वह मेरे घोंसले की तरफ आई तो बात बढ़ जाएगी। क्या करूं चिड़िया और हरियाली तोती, मैं भी अपनी पत्नी गौरी कौवी की इन हरकतों से तंग हूं। वह समझने का नाम ही नहीं ले रही। शाम को जब काला कौवा घर जाता है, अनाज की पोटली एक तरफ रखते हुए गौरी कौवी से कहता है, गौरी, तुम पड़ोसियों से झगड़ा क्यों करती हो? तगादी होगी उस सुंदर चिड़िया ने मेरी शिकायत तुमसे, जब वह पीले पीले पंख दिखाकर तुमसे बात करती है तो वह मुझे बहुत बुरी लगती है। और हरियाली के घोंसले से तुमने दाना क्यों चुराया? अगर अगली बार यदि पकड़ी गई तो पूरा मोहल्ला मारेगा तुझे। मैं किसी से नहीं डरती, जिसको जो करना है वह करे। ऐसे ही गौरी कौवी जो भी बात होती वह किसी की भी नहीं मानती। जब दूसरे दिन कालू कौवा दाना लेने जाता है तो गौरी चिड़िया के घर चली जाती है। बदमाश चिड़िया, तेरा क्या काम था मेरे पति से हंस हंस कर मेरी शिकायत लगाने का? मैं जो भी करूं, आज के बाद तूने मेरी बात में टांग अड़ाई तो मैं तुझे जान से मार दूंगी और तेरे इस छोटे बच्चे को भी। चिड़िया गौरी कौवी से बहुत डर जाती है। नहीं नहीं गौरी बहन, जो हुआ उस पर मुझे माफ कर दो, मैं फिर कभी कौवे से बात नहीं करूंगी। आप जो भी करो मुझे क्या, याद रखना, भूल ना जाना, वरना तू मेरे गुस्से को तो जानती है। फिर गौरी कौवी हरियाली तोती की तरफ जाती है। तोता और तोती दाना लेने गए हुए थे। मेरी शिकायत लगाई है हरियाली की बच्ची ने, इसका तो मैं घोंसला ही तोड़ दूंगी। इतना सोचकर गौरी कौवी उसका घोंसला तोड़ने लगती। कबूतर उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और वह भागकर तोता और तोती को बता देता है, जल्दी जाओ तोता और तोती, जल्दी, गौरी कौवी तुम्हारा घोंसला तोड़ रही है, जल्दी जाओ।
तोता और तोती समय जाया किए बिना वहां से जल्दी से भागते हैं। उस गौरी कौवे ने हमारा घोंसला ही तोड़ दिया मिट्टू जी, हमें बेघर कर दिया उसने। वह बहुत बुरी कौवी है। नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। गुस्से में तोता डंडा उठाकर कौवा के घर की ओर जाता है। निकलो बाहर गौरी कौवी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आज तेरी इतनी हिम्मत, तूने हमारा घोंसला तोड़ा। अब जा, जाकर बात कर मिट्टू से। शर्म करो कालू, मम्मा पक्षी थोड़ा पक्षी से बात करती है। तुम जाओ और जाकर चोंच तोड़ दो उस मिट्टू के बच्चे की। बुरे काम तुम करो और लड़ाई मैं करूं, मुझसे नहीं होगा। अब काला कौवा बाहर जाता है। यार मिट्टू, मैं पांव पकड़ता हूँ तुम्हारे, तुम जाओ, मैं उसे समझा दूंगा। अब क्या फायदा है उसे समझाने का, उसने हमारा घर तोड़ा है, मैं भी उसका घर तोड़ कर ही जाऊंगा। लड़ाई की आवाज सुनकर पड़ोसी चिड़िया भी वहां आ जाती है। मिट्टू भैया, कालू का घर तोड़ने से तुम्हारा घोंसला थोड़ा ना ही बन जाएगा। मैं मदद करूंगा तुम्हारी, मैं कल तुम्हें नया घोंसला बनाने के लिए सूखे तिनके और घास ला दूंगा, तुम चिंता ना करो। मिट्टू तोता चिड़िया की बात मान लेता है और वहां से चला जाता है। काला कौवा घर चला जाता है। डरपोक कहीं का, डरपोक काले कौवे, अगर मुझे पहले से पता होता तुम इतने कमजोर कौवे हो तो मैं कभी तुमसे शादी ना करती। चुप कर जाओ गौरी,